हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 198 के अंदर सेक्शन 15, सेक्शन 16 और सेक्शन 17 को। ये तीनों सेक्शंस प्लेस ऑफ सुइंग के टॉपिक में आते हैं। प्लेस ऑफ सुइंग का मतलब कि वाद दाखिल करने के स्थान के ऊपर, यानी किस कोर्ट में आप अपना सूट फाइल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सूट जो है बहुत तरीके के हो सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़े हो सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़े हो सकते हैं, शादी ब्याह से रिलेटेड हो सकते हैं, टॉर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आप ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि किस कोर्ट में आपको अपना सूट फाइल करना है? तो इस तरीके के जितने सवाल हैं इनके जवाब सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 25 प्लेस ऑफ सुइंग का जो टॉपिक है सीपीसी का, इसके अंदर मिलते हैं। अब सेक्शन 15 जो है सीपीसी का, ये हमें एक रूल बताता है। ये कहता है कि जितने भी आपके वाद होंगे वो दाखिल किए जाएंगे उस कोर्ट में जो सबसे लोएस्ट ग्रेड का है, जो उसको ट्राई करने के लिए सक्षम है, कंपेटेंट है उसको ट्राई करने के लिए। ये हमें एक क्या रूल बता रहा है कि जितने भी हमारे वाद होंगे वो उस कोर्ट में दाखिल किए जाएंगे जो सबसे लोएस्ट ग्रेड के हैं। जैसा कि हम लोग ऑर्डिनरी देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग जिस कोर्ट में जाते हैं उसके बाद उसके सुपीरियर कोर्ट में अपील करते हैं, फिर उसके बाद उसके सुपीरियर कोर्ट में। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये एक पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहा है। ये इसलिए बता रहा है कि भाई जो ऊपर के कोर्ट हों उनके पास जो है केसेस से ओवर बर्डन ना हो जाए, सूट से वो ओवर बर्डन ना हो जाए कि उनको डिसाइड करने में उनको दिक्कत हो। तो इसलिए कह दिया गया कि आप जो है सबसे पहले लोअर कोर्ट पे जाइए, उसके बाद उसके ऊपर के कोर्ट, उसके बाद उसके ऊपर के कोर्ट। लेकिन यहाँ पे जो ये लोएस्ट ग्रेड की बात की जा रही है, यहाँ पे इसके पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करी जा रही है, यहाँ पे कंपेटेंसी की बात नहीं करी जा रही है। यानी ये एक हमें प्रोसीजर बता रहा है कि किस तरीके से आप चलेंगे। पहला स्टेप जो है लोएस्ट ग्रेड, उसके बाद उसके ऊपर का कोर्ट, ये हमें एक प्रोसीजर बता रहा है। यानी कि अगर कोई सुपीरियर कोर्ट जो है किसी फैसले के ऊपर कोई डिसीजन दे देता है तो वो फैसला जो होगा कोर्ट का वो नल एंड वॉइड नहीं होगा, यानी वो गलत नहीं होगा, वो पूरे तरीके से सही होगा, क्योंकि जो सुपीरियर कोर्ट है उसके पास साक्षमता यानी कंपेटेंसी तो है ही है उसको ट्राई करने की। लेकिन ये तो एक प्रोसीजर बता दिया गया है कि आपको सबसे पहले लोएस्ट कोर्ट में जाना है, उसके बाद उसके ऊपर का कोर्ट, उसके बाद उसके ऊपर का कोर्ट। तो ये चीज़ सेक्शन 15 बता रहा है। उसके बाद आता है सेक्शन 16। अब सेक्शन 16 को हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। सेक्शन 16 जो है हमारे उन सवालों के जवाब देता है कि मान लीजिए कि अगर हमारा कोई सूट जो है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा है, यानी हमारा कोई अगर वाद जो है किसी अचल संपत्ति, किसी स्थावर संपत्ति से जुड़ा है, तो उस केस में हम लोग अपने सूट को किस कोर्ट में फाइल करेंगे। भाई बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आ सकती है, सपोज डैट कि मैं रहता हूँ बम्बई में, आप रहते हैं दिल्ली के अंदर, हमारी और आपका जो विवाद चल रहा है जिस संपत्ति को लेके वो कलकत्ता में, अब सूट कहाँ फाइल किया जाए। हम चाहेंगे भाई बम्बई में फाइल हो ताकि हमारे लिए आसानी हो, आप चाहेंगे कि भाई दिल्ली में हो, तो सूट कहाँ फाइल किया जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारे ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि जहाँ पे ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस जगह पे सूट फाइल किया जाए, जिनके ऊपर सेक्शन 16 डील करता है। और भी बहुत से केसेस अराइज हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे और आपके बीच में पार्टीशन, एक लैंड है जो कलकत्ता में, जिसको पार्टीशन को लेके कोई विवाद चल रहा है, हम लोग चाहते हैं कि उसका विभाजन हो जाए, उसका बंटवारा हो जाए, तो अब सूट कहाँ फाइल किया जाए। आप रह रहे हैं दिल्ली में, मैं रह रहा हूँ बम्बई में, लैंड जो है वो कलकत्ता में है। इसी तरीके के और भी मामले आ सकते हैं, मॉर्गेज बंधक से रिलेटेड मामला आ सकता है, उसके फोर क्लोजर हो गया, रिडम्पशन हो गया, या मान लीजिए कि कोई चार्ज से रिलेटेड मामला है, कोई चार्ज से रिलेटेड मामला है, तो सूट किस कोर्ट में फाइल किया जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सेक्शन 16 देता है। तो सेक्शन 16 एक हमें आम जवाब दे देता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर आपका केस है, प्रॉपर्टी को रिमूव रिकवर करना है, पार्टीशन करना है, इस तरह के केस में जिस जगह पे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में, जिस न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आपकी वो संपत्ति सिचुएट करती है, उस न्यायालय में आप अपने वाद को दाखिल करिए, उस कोर्ट में आप अपने कोर्ट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, आप अपने सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, वहां पे जाकर के आप अपने वाद को दाखिल कर सकते हैं जिस कोर्ट के क्षेत्र अधिकार में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। ये एक हमें आम रूल बताता है। तो अब सेक्शन 16 को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या बताते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट बताता है सेक्शन 16, फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट, या फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फॉर फोरक्लोजर। फोरक्लोजर, रिडेम्पशन, सेल, इनके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं टीपीए के टॉपिक में। या हो सकता है चार्ज की बात हो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर,
तो वो भी कहाँ फाइल होगा, जिस जगह पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। पार्टीशन के मामले में जिस जगह पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, प्रॉपर्टी के रिकवरी के मामले में जिस जगह पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, या हो सकता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अधिकार का कोई बात हो कि उस संपत्ति पे किसका अधिकार है, किसका राइट है, किसका इंटरेस्ट है, वो भी किस जगह पे, जिस जगह पे प्रॉपर्टी सिचुएट कर सकती है, यहाँ पे सिचुएट करती है। फिर उसके बाद फॉर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कंपेंसेशन का कोई वाद है, रॉन्ग किया गया है तो उससे रिलेटेड टॉर्ट का केस है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किस जगह पे, जिस जगह पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। या कोई रिकवरी है मूवेबल प्रॉपर्टी की, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए भी वाद है तो उस जगह पे, जिस जगह पे प्रॉपर्टी जो है अटैच की गई है। तो इसका आम ऑर्डिनरी जो रूल है वो क्या है, वो ये है कि जिस जगह पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है उस कोर्ट के छेद अधिकार में, जिस कोर्ट के छेद अधिकार में इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है उस कोर्ट में आप अपना वाद दाखिल करेंगे। तो ये सेक्शन 16 में बता रहा है, पर इसका प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोविजो कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई वाद में जिसमें आप कोई रिलीफ क्लेम करते हैं या कोई कंपेंसेशन है कोई रॉन्ग को लेके जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के प्रति किया गया है, तो उस केस में जो प्रतिवादी है डिफेंडेंट के पर्सनल ओबीडियंस को ध्यान में रखते हुए वो वाद जो है इंस्टीट्यूट किया जाएगा उस जगह, जिस जगह पे जो प्रतिवादी है जहां एक्चुअली में रहता हो या जहां पे वो बिजनेस करता हो, या उस जगह पे जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती हो। देखिए आम रूल इसने सेक्शन 16 ने क्या बताया कि जिस जगह पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है उस जगह पे आप अपना वाद दाखिल करेंगे, लेकिन इसका जो प्रोविजो है ये बता देता है कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सा है, एक्सेप्शन है रिलीफ आप क्लेम करते हैं, रिलीफ क्लेम करते हैं, कंपेंसेशन क्लेम करते हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे जो पर्सनल ओबीडियंस की बात करी गई है डिफेंडेंट की, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ये पर्सनल ओबीडियंस जो है ये असल में जो लैटिन की मैक्सिम है इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम, जो मैक्सिम है इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम, ये इसके ऊपर बेस है। इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम का मतलब कि जहां पे इक्विटी जो है वो पर्सन के कॉन्शियसनेस पे काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए कि मैं बंबई में रहता हूं, मेरा लैंड जो है वो कलकत्ता के अंदर है, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया अपने लैंड को बेचने के लिए, अब लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करके मैंने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, मैंने कहा कि मैं उसको नहीं बेचना चाहता हूं, अब आप चाहते हैं कि उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाएं, उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस के लिए वाद दाखिल करें, तो अब आप किस जगह पे वाद दाखिल करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आप रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, या हो सकता है उससे रिलेटेड कोई कंपेंसेशन का भी क्लेम हो सकता है, हो सकता है कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कंपेंसेशन का क्लेम कर सकते हो। तो अगर इस तरीके का कोई मामला है आपका कि आप रिलीफ क्लेम कर रहे हैं या कंपेंसेशन क्लेम कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अब मेरी प्रॉपर्टी तो कलकत्ता के अंदर है लेकिन मैं बंबई में रहता हूं, तो अब यहां पे मैं बंबई में रह रहा हूं, मेरी बंबई में सारी प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति, आप अगर मान लीजिए कि आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए कि आपका इतना नुकसान हुआ है, आपने कंपेंसेशन का क्लेम किया, तो अब जरूरी है क्या कलकत्ता जाएं आप, वहां से प्रॉपर्टी लेके आए या फिर आपको बेचा जाए, कोई मतलब नहीं है। अगर आपका पैसे से रिलेटेड मामला है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, तो मैं अगर बंबई में रहता हूँ मेरी सारी प्रॉपर्टी है, कोर्ट मेरी बंबई से मेरी प्रॉपर्टी को अटैच कर देगी, बंबई में मेरी चीज़ों को अटैच कर देगी, मुझे सिविल प्रिजन में भेज देगी, मुझे अरेस्ट करवा सकती है, वहां से पैसा ले लेगी आपको दे देगी, तो जरूरी तो है नहीं कलकत्ता में जाने के लिए। तो यहां पे जो चीज़ पर्सनली रिकवर किया जा सकता है मुझसे, जो लेकिन कौन से मामले में, जहां पे रिलीफ से जुड़ा हुआ मामला है या कंपेंसेशन से जुड़ा हुआ मामला है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब उसके बाद आता है सेक्शन 17। अब सेक्शन 17 जो है वो कहता है कि मान लीजिए कि जहाँ पे आप रिलीफ रेस्पेक्टिंग, यानी जहाँ पे आप रिलीफ का क्लेम करते हैं या कंपेंसेशन जो रॉन्ग जुड़ा हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, वेयर अ सूट इज टू ऑब्टेन रिलीफ रेस्पेक्टिंग और कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ पे वो अचल संपत्ति एक से ज़्यादा कोर्ट में सिचुएट करती है। तो अगर एक से ज़्यादा सिचुएट करती है कोर्ट में, तो उसका कोई भी पोर्शन जिस कोर्ट के क्षेत्र अधिकार में करता है आप उस कोर्ट में जाके सूट को फाइल कर सकते हैं। बस ये सेक्शन 15, 16 और 17 कहता है।